भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और अब हम आ रहे हैं उज्जैन क्षेत्र के अंदर ही इस्कॉन टेंपल है, और इस्कॉन टेंपल जाजपुर में, बहुत सारे इस्कॉन टेंपल्स हैं जाजपुर में, उसी बहुत सारे इस्कॉन टेंपल में से एक इस्कॉन टेंपल जो बिरजा क्षेत्र में पड़ता है और बिरजा माँ के मंदिर से, शक्तिपीठ से 15-20 मिनट की दूरी पे है। ओम नमो तो इस्कॉन के दर्शन भगवते ये कहा इस्कॉन वासुदेवाय। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। अथ तृतीयो अध्याय। केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी, सबका इसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है, पुण्यात्मा तो भजते ही है। प्रस्तुत है उसी गीता की अद्वितीय व्याख्या, यथार्थ गीता का कैसेट प्रसारण। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव पांडव थे, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है, इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में ये सब कुछ आ जाता है, उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले सभी चाहते हैं कि हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लें, किंतु आगे बढ़ने पर वो देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा, तब हताश हो जाता है। वो पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वो प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत कर